नमस्कार दोस्तों, मुक्ता का दुनिया में आप लोग को स्वागतम। दोस्तों देखिए, दोस्तों पिछले साल का ये डेंथस है, यहाँ पे एक ठो गमला तो खराब हो गया और इतना बचा हुआ है। अरे पुराना ये सब जो है ना, लत्ती सब इसका सूख रहा है, तो फ्रेंड इसका केयर करना भी जरूरी है। इस साल अभी तक केयर नहीं किए। ये देखिए, ये पुराना इसमें डाल कर रखे थे, ये भी है, इसमें भी फूल होता है, इसमें भी थोड़ा खाद पानी देंगे। आई इसमें भी देंगे। पिंक कलर का होता है और व्हाइट कलर का होता है। ये देखिए, एक दो फूल खिला हुआ है। सोचे आज इसका ही केयर करते हैं फ्रेंड। इसमें मिट्टी भी सूखा हुआ है, एकदम बैठ गया है। तो सबसे पहले फ्रेंड हम ये देखिए, इसमें भी लगाए थे फ्रेंड, देखिए ये देखिए, इसमें कटिंग किए थे। देखिए कितना अच्छा इसमें हो गया है। देखिए इसमें फूल भी आया है। तो सबका केयर ध्यान देते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले तो फ्रेंड ये सूखा सूखा जो है ना, इस टाइप का पुराना जो है सूख गया, उसको हटाना है। फिर हम कुराई करेंगे फ्रेंड। कुराई करके ये देखिए, कुराई करके फिर हम इसमें क्या खाद देते हैं वो आप लोग को हम दिखाएंगे। ये देखिए, घास पतवार जितना भी है चुनेंगे और ये सूखा सूखा सबको हम कटिंग करके निकालते हैं फ्रेंड। ऐसे खींचेंगे ना तो उसका पौधे निकल आएगा, इसीलिए हम इस सबको थोड़ा अच्छा से चुन लेते हैं और कुराई भी करेंगे, दिखाते हैं फ्रेंड। दोस्तों देखिए, इसका हम कटिंग करके जो सूखी हुई डाली उली था ना फ्रेंड, वो सब निकाल दिए और निकाल करके कुछ कटिंग भी हम लगा लिए हैं इसमें से, और कुछ कटिंग दूसरे में लगाए हैं और दिखाते हैं फ्रेंड। और इसको कूड़ा ये देखिए, और इसमें क्या डालेंगे अभी आप लोग को हम दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, एप्सम सॉल्ट, ये देखिए एप्सम सॉल्ट हम इस साइड में डाल देते हैं। इसका पत्ते सब जो है ना अच्छा से निकाल आएगा। देख रहे फ्रेंड, एक चम्मच से थोड़ा ज्यादा दिए क्योंकि ये मेरा पॉट बड़ा है, इसमें अच्छा से होना चाहिए। और ये देखिए फ्रेंड, एक चम्मच अंदाज ये एमपीके डाल रहे हैं। देखिए इसमें हम सब तरफ डाल देते हैं। देखिए इसको हम थोड़ा सा मिला देते हैं नीचे तरफ फ्रेंड। ये देखिए, ऐसे तो पानी डालेंगे तो नीचे चला ही जाएगा, उसका रूट में चला ही जाएगा फ्रेंड, इसका दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मिला दे रहे हैं। और इसमें हम कौन सा पानी दे रहे हैं फ्रेंड तो हम बताते हैं। ये जो उस दिन हम दिखाए होंगे, कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे कि हम 6 चीज मिला करके ये पानी बनाए थे। इस पे ये पानी में है फ्रेंड, इस खाद का पानी है लिक्विड। तो इसमें है डीएपी है, उसके बाद में डीएपी है, एप्पल का छिलके का पानी है, लहसुन के छिलके का पानी है, और गोबर खाद का पानी है फ्रेंड, और गुड़ है, सरसों के खल्ली है ना उसका पानी है। तो इतना गाढ़ा है इसीलिए बोतल में हम रख दिए थे फ्रेंड। तो ये देखिए, यहाँ पानी है ना सादा, इसमें इतना आधा है ना, आधा में हम
और पानी भर देते हैं फ्रेंड, इसमें मिक्स कर रहे हैं। देखिए गाढ़ा है, थोड़ा पतला कर दे रहे हैं फ्रेंड। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड, इसमें पानी मिक्स किए हैं। ये देखिए, ये भी खाद का पानी हुआ फ्रेंड। तो मेरे लिए ये बहुत आसान हो गया है, ज़्यादा खाद नहीं दिए, सिर्फ एप्सम साल्ट डाले हैं फ्रेंड और एमपीके डाले हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर मेरा तो रेडी था तो वो हम डाल दिए। तो फ्रेंड कैसा लगा मेरा ये वीडियो बताइएगा। और ये सब भी फ्रेंड तैयार हो गया, देखिए ये सब कर लिए। ये जो है ना, यहाँ ये सब को हम रेडी कर लिए हैं, इसका भी रेडी हो गया। बस इसको अभी हम करेंगे, इसको हम करते हैं और इसको भी हम रिपोर्ट करेंगे फ्रेंड। और बहुत सारे फ्रेंड इसमें से कटिंग लगाए हैं, ये देखिए रैकेट का यहाँ से कटिंग करके फ्रेंड उसके साइड साइड में लगा दिए हैं। और इसका भी साइड साइड में हम बहुत सारे कटिंग लगाए हैं फ्रेंड। इसमें दो टाइप का फूल आएगा, व्हाइट है और ऑरेंज पिंक, और डबल पिंक, व्हाइट और पिंक मिला हुआ, तीन टाइप का इसमें फूल आएगा। तो फ्रेंड मेरा ये वीडियो में जरूर आप लोगों को कुछ जानकारी मिलेगा जरूर लगता है। आप लोग बताइएगा, आप लोग के पास अगर ऐसा डांथस पुराना है तो आप लोग इसको इस तरह केयर करिए, और नहीं है तो नर्सरी से लगा सकते हैं, ज़्यादा केयर नहीं लगता है फ्रेंड। और इसका मिट्टी जो है ना फ्रेंड, ये पुराना ही मिट्टी है, मिट्टी हम चेंज नहीं किए हैं। और इसमें आप लोग के सामने में ही है जो हम डाले हैं, और 15-20 दिन हो जाएगा तो फिर हम लिक्विड पानी देंगे और नहीं तो गोबर खाद देंगे। अभी तो शुरू शुरू डालेंगे, एक महीना तक इसमें फूल आने का टाइम हो रहा है ना फ्रेंड। तो और शुरू में जब मिट्टी तैयार किए थे, पिछले साल जब मिट्टी तैयार किए थे, यही वर्ल्डन मिट्टी बालू उलू मिला हुआ है फ्रेंड। ज़्यादा खाद इसमें नहीं लगता है, लिक्विड खाद से ही हो जाता है फ्रेंड। ये तो घास के तरह है, देखते हैं फ्रेंड, ये घासे के जैसा है। ये अलग टाइप का है, ये वो अलग टाइप का है। इसका भी दो कलर था मेरे पास, पता नहीं अभी इस बार मिलेगा कि नहीं, रेड व्हाइट था। एकदम घास के जैसा है फ्रेंड। देखिए, तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा फ्रेंड, और लाइक देने भूल गए होंगे तो एक तो लाइक दे दीजिए। और वॉचिंग के लिए बहुत बहुत थैंक यू। Bye.